हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ वंदना। आज मैं आप सभी को हरितालिका तीज के बारे में बताऊंगी। हरितालिका तीज का नाम सुनते ही महिलाओं एवं लड़कियों में एक अजीब सी घबराहट होने लगती है। वर्ष के प्रारंभ से ही जब कैलेंडर घर लाया जाता है तो कई महिलाएं हरितालिका तीज की तिथि देखती हैं। ये तो हरितालिका तीज बहुत ही उत्साह से मनाया जाता है, लेकिन उसके व्रत एवं पूजा की विधि को जानने के बाद आप समझ जाएंगे कि क्यों हरितालिका का व्रत सर्वोच्च समझा जाता है और क्यों वर्ष के प्रारंभ से ही हरितालिका तीज का व्रत हिंदू धर्म में सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। यह तीज का त्यौहार भादो की शुक्ल तीज को मनाया जाता है। खास तौर पर महिलाओं द्वारा इस त्यौहार को मनाया जाता है। कम उम्र की लड़कियों के लिए भी हरितालिका तीज के व्रत को श्रेष्ठ समझा गया है। हरितालिका तीज में भगवान शिव, माता गौरी एवं गणेश जी की पूजा का महत्व है। यह व्रत निराहार एवं निर्जला किया जाता है। रथ जगा कर नाच गाने के साथ इस व्रत को किया जाता है। तो चलिए हम जानते हैं हरितालिका नाम क्यों पड़ा। माता गौरी के पार्वती रूप में वे शिव जी को पति के रूप में चाहती थी, जिस हेतु उन्होंने कठिन तपस्या की थी। उस वक्त पार्वती की सहेलियों ने उन्हें अगवा कर लिया। इस कारण इस व्रत को हरितालिका कहा गया है, क्योंकि हरत का मतलब अगवा एवं आलिका का मतलब सहेली, अर्थात सहेलियों द्वारा अपहरण करना हरितालिका कहलाता है। शिव जैसा पति पाने के लिए कुंवारी कन्या इस व्रत को विधि विधान से करती हैं। हरितालिका तीज कब मनाई जाती है और इसका मुहूर्त क्या है? हरितालिका तीज भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन मनाया जाता है। यह आमतौर पर अगस्त सितंबर के महीने में ही आती है। इसे गौरी तृतीया व्रत भी कहा जाता है। यह इस वर्ष 12 सितंबर 2018 के दिन बुधवार को मनाई जाएगी। इस व्रत का शुभ मुहूर्त है प्रातःकाल हरितालिका पूजा मुहूर्त है 6:15 से 8:42 तक, लगभग 2 घंटे 26 मिनट। हरितालिका तीज का नियम जान लेते हैं। हरितालिका व्रत निर्जला किया जाता है, अर्थात पूरा दिन एवं रात अगले सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं किया जाता। हरितालिका व्रत कुंवारी कन्या सौभाग्यवती महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसे विधवा महिलाएं भी कर सकती हैं। हरितालिका व्रत का नियम है कि इसे एक बार प्रारंभ करने के बाद छोड़ा नहीं जा सकता। इसे प्रतिवर्ष पूरे नियमों के साथ किया जाता है। हरितालिका व्रत के दिन रथ जगा किया जाता है। पूरी रात महिलाएं एकत्र होकर नाच गाना एवं भजन करती हैं। नए वस्त्र पहनकर पूरा श्रृंगार करती हैं। हरितालिका व्रत जिस घर में भी होता है वहां इस पूजा का खंडन नहीं किया जा सकता, अर्थात इसे एक परंपरा के रूप में प्रतिवर्ष किया जाता है। सामान्यतः महिलाएं यह हरितालिका पूजन मंदिर में करती हैं। हरितालिका के व्रत से जुड़ी कई मान्यता हैं, जिनमें इस व्रत के दौरान जो सोती हैं वो अगले जन्म में अजगर बनती हैं, जो दूध पीती हैं वो अगले जन्म में सर्पिनी बनती हैं। इस प्रकार के कई मत सुनने को मिलते हैं। चलिए तो अब हम हरितालिका तीज व्रत कथा सुन लेते हैं। यह व्रत अच्छे पति की कामना एवं पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। शिव जी ने माता पार्वती को विस्तार से इस व्रत का महत्व समझाया। माता गौरा ने सती के बाद हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती भगवान शिव को वर के रूप में चाहती थी, जिसके लिए पार्वती जी ने कठोर तपस्या की। उन्होंने कड़कती ठंड में पानी में खड़े होकर तपस्या की, गर्मी में यज्ञ के सामने बैठकर यज्ञ किया, बारिश में जल में रहकर कठोर तपस्या की। लगभग 12 वर्षों तक निराहार पत्तों को खाकर पार्वती जी ने व्रत किया। उनकी इस निष्ठा से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने हिमालय से पार्वती जी का हाथ विवाह हेतु मांगा, जिससे हिमालय बहुत प्रसन्न हुए और पार्वती जी को विवाह की बात बताई, जिससे पार्वती दुखी हो गई और अपनी व्यथा सखी से कही और जीवन को। जिस पर सखी ने कहा, यह वक्त ऐसी सोच का नहीं है, और उनकी सखियों ने पार्वती जी को हर कर वन में ले गई, जहां पार्वती जी ने छिपकर तपस्या की, जहां पार्वती जी को शिव ने आशीर्वाद दिया और पति के रूप में मिलने का वर दिया। हिमालय ने बहुत खोजा पर पार्वती न मिली। बहुत वक्त के बाद जब पार्वती मिली तब हिमालय ने इस दुख एवं तपस्या का कारण पूछा। तब पार्वती जी ने अपने दिल की बात पिता से कही। इसके बाद पुत्री के हट के कारण पिता हिमालय ने पार्वती जी का विवाह शिव जी से तय किया। इस प्रकार हरितालिका व्रत एवं पूजन प्रतिवर्ष भादो की शुक्ल तृतीया को किया जाता है।
हरितालिका तीज व्रत की कथा आप सभी को कैसी लगी और मेरा ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा नीचे कमेंट करके मुझे बताएं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके।